हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोग को कुक्कू की वेब सीरीज ललिता पीजी हाउस की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी, एक बंदी जिसका नाम ललिता था और वो जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ उसने एक पीजी रखने का फैसला किया, लेकिन सोसाइटी का सेक्रेटरी इसके घर पर आता है और पीजी रखने के लिए इसे मना कर देता है। तो ये बताती है कि मेरा पति घर से सारे पैसे, मेरे गहने सब लेकर भाग गया है और घर की ईएमआई की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। तो सेक्रेटरी शुक्ला जी बोलते हैं कि एक औरत मर्द की जरूरतों को पूरा कर दे तो मर्द भी उनकी जरूरतों को जरूर पूरा कर देगा। अब ललिता समझ गई थी कि उसे क्या करना है। अब ललिता उसे अपने कमरे में लेके जाती है और उसके साथ सेक्स करके उसकी जरूरतें को पूरी करती है और शुक्ला जी भी अब इसे पीजी हाउस की परमिशन दे देते हैं। अब पीजी के लिए पहला बंदा रूम देखने के लिए आता है, लेकिन वो रूम का रेंट सुनकर ही निकल लेता है। अब अगले दिन पीजी देखने के लिए एक लड़की आने वाली थी, तब तक ललिता ड्रॉअर से वाइब्रेटर निकालती है और वाइब्रेटर के सहारे अपने अकेलेपन को दूर करने में बिजी ही थी। तभी बेल बज जाती है और वो लड़की आ चुकी थी और ये ऐसे ही वाइब्रेटर निकाले बिना चली जाती है। और अब वो लड़की अंदर आती है और गलती से वाइब्रेटर के रिमोट पर बैठ जाती है, जिससे कि वाइब्रेटर तेज हो जाता है और तभी ललिता की चीख निकल जाती है और वो गंदे गंदे एक्सप्रेशन देने लगती है, जिसे देखकर इसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी ये हाथ डालकर वाइब्रेटर निकाल लेती है, जिसे देखकर ये लड़की वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ शुक्ला को किसी गुंडे का फोन आता है और बोलता है कि पहली चाल मैंने चल दी है और ये लोग ललिता के बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। अब पीजी देखने के लिए एक और बंदा आने वाला था, तो ये सोचती कि इस पर मैं कोई गलती नहीं कर सकती और फिर ये साड़ी चेंज कर एक ऐसी साड़ी पहनती जिसका ऊपर से कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ था। और अब वो बंदा आता है और ललिता उसे पूरा घर दिखाती है, लेकिन बंदा तो बस इसे ही आगे पीछे से घूरे जा रहा था। बंदा बोलता है आप थोड़ा रेंट कम करो तो मैं जरूर इसके बारे में सोचूं। और अब बंदा वॉशरूम यूज करने चला जाता है, तो ये सोचती है मैं इसे भी ऐसे जाने नहीं दे सकती। और अब ये एक आइडिया लगाती है और ऊपर से जितना खुला था वो थोड़ा और खोल देती है और उसके बाहर आने पर ये उसे टच विच करने लगती है और बोलती है आप चाय पियेंगे, मेरे पास कुछ ज्यादा ही दूध है। अब ललिता किचन में जाती है, फिर इसे भी बुलाती है और जानबूझकर बहाने से उसके और अपने कपड़े पर भी पानी गिरा लेती है। फिर ललिता बोलती है मेरे पति ये कुछ कपड़े हैं तुम चेंज कर लो। फिर वो उसे अपने कमरे में लेके जाती है और अपने हाथ से उसके कपड़े निकालती है और बोलती है मेरी भी मदद करो निकालने में। अब बंदे को मालूम पड़ गया कि उसके लिए खुला अवसर है और उसने 20,000 की जगह सीधा उसके बैंक में 60,000 डाल दिए। अब ये दोनों उस कमरे में बहुत देर तक सेक्स करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और सेक्स करने के बाद ये लोग बैठ के थोड़ी बातें करते कर रहे थे और वहाँ वो गुंडा बोलता है कि अब दूसरी चाल चलने का वक्त आ गया। और तभी ललिता के घर की बेल बज जाती है और ये दोनों डर जाते हैं कि कौन आ गया। और ललिता जाके कपड़े बदल के दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कोई बैंक वाला आया हुआ था और वो बोलता है कि इस घर की ईएमआई की एक भी किस्त नहीं भरी गई है और अगर आपने 6,00,000 का बंदोबस्त नहीं किया तो हम इस घर को नीलाम कर देंगे। और उसे बोलता है अगर आपको बेचना है तो मेरे पास एक पार्टी भी तैयार है। और वहीं हो जाता है एपिसोड खत्म। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी।